हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौभाग्य एंड यू आर वाचिंग हार्ट एंड क्लिक। आज हम बात करेंगे कि हमारी देश को आज़ादी कैसे मिली। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद हम अपना देश की 72nd इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं बड़ी खुशी के साथ। तो चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं, असली में हमें आज़ादी कैसे मिली। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें बचपन से जो पढ़ाया जाता है और आज हम बड़े होकर जो चीज़ सीखे हैं, जो चीज़ हर जगह से ज्ञान प्राप्त करके, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से और डिस्कशन से, सारे जगह में बड़े बड़े किताबों से पढ़ के जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो तीन नाम उभर के आता है। वो तीनों नाम है, पहला नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और जिन्होंने बोला था गिव मी ब्लड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम, जिन्होंने INA ऑपरेशन करवाए थे, कांग्रेस के दो बार प्रेसिडेंट रह चुके थे 1938-39 पे, 1945 में उनका मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हो गया। वो कहा जाता है कि प्लेन क्रैश हुआ था उनमें, उसमें उनका डेथ हो गया था, क्या हुआ था एग्जैक्टली हमें पता नहीं। तो ये एक नाम उभर के आता है। दूसरा नाम मैं यहाँ पर रखा हूँ, शहीद भगत सिंह, और इनका जो मेन हाईलाइट्स है कि उन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल्स को अपोज किए थे, वो स्ट्रेट गांधी जी को अपोज किए थे और उनका अहिंसा आंदोलन को अपोज किए थे। उनको लगता था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है और वो गांधी जी को बिलीव नहीं करते थे, उनकी लीडरशिप पर कॉन्फिडेंस नहीं रखे थे। उन्होंने टोटल इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट लाया था, 1931 को उनको फांसी दे दिया गया था, ऐसा हमारे पास जो जानकारी है। और तीसरे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जो भारत में अहिंसा का कैंपेनिंग किए थे और देश को एकत्रित किए थे। उनका जो कैंपेनिंग जब शुरू हुआ था, कहा जाता है कि उन्होंने देश को एकत्रित किए थे, देश के सारे जनताओं को जागरूक किए थे, और 1945 में उनका असासिनेशन हुआ था नाथुराम गोडसे के द्वारा। तो चलिए इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं और हम पता करेंगे कि एग्जैक्टली किसका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। कॉन्ट्रीब्यूशन तो सबका रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका रहा, और मेन ये टोटल जो अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के पिछले 1000 साल में सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ था वो है देश की आज़ादी, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किनका था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आ जाऊँगा 1920 पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, जो गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने शुरू किया था। तो उन्होंने क्या किया था, 1919 पे एक जालियांवाला बाग मसाकर हुआ था, जो काफ़ी उस समय काफ़ी वो हिंसा से किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एक फील्ड के अंदर लगभग 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे और उनमें से उनको बिना कुछ, वो लोग निराश्र थे, उनके पास कुछ था नहीं, उनको सराउंडिंग सोल्जर्स सराउंडिंग करके उनको गोली कर दिया गया था। लगभग 2000 लोग मारे गए थे और कई आंकड़े बताते हैं कि वो उनसे भी ज़्यादा था। तो उसके बाद उससे खप्पा होकर कांग्रेस और गांधी जी और कांग्रेस के लीडर्स लोग मिलके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किए थे, और जो उस टाइम काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। लेकिन 1922 को गांधी जी ने ये मूवमेंट बंद कर दिया। चोरी चोरा में एक इंसिडेंट हुआ था कि आम जनता पुलिस को थाने के अंदर जला के मार दिए थे, तो उस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने पूरे देश भर में टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करवा दिया था। तो जिस मूवमेंट एक फ्रूटफुल होने से पहले, जिस मूवमेंट पूरे देश के लिए चल रहा था, जिसके चलते आज़ादी मिलने का उम्मीद रहता था, और जिस टाइम जनता में आक्रोश था देश की इकोनॉमी को लेकर, देश में बढ़ते हुए प्रॉब्लम्स को लेकर और अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ, उस समय ये मोमेंट को एक छोटा सा इंसिडेंट के लिए, हालांकि उसमें हिंसा था, लेकिन पूरे देश भर का पूरा मोमेंट को उस इंसिडेंट के लिए बंद कर देने को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज किए थे। इवन उस टाइम के कुछ बड़े बड़े लीडर्स भी गांधी जी से अलग होके, उनके लीडरशिप पर कॉन्फिडेंस ना रख के एक नया पार्टी, स्वराज पार्टी भी बना लिए थे। तो 1920 में ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका कंट्रीब्यूशन गांधी जी को जाता है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट आने से पहले इसको बंद कर दिया गया था। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, लगभग उतना नुकसान भी हुआ उनका कॉल ऑफ के वजह से। तो आगे बढ़ते हैं, 1927
1920 से 1927 तक कई सारे रिफॉर्म्स आए, और भगत सिंह शुरू में गांधी जी को फॉलो कर रहे थे। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ किया, उसके बाद भगत सिंह ने उनके ऊपर भी भरोसा छोड़ दिया था, और उन्होंने खुद ही अपने बल पर कुछ करने की कोशिश किए थे। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुक केसर अपने दोस्त लोगों के साथ मिलकर कुछ कैंपेनिंग शुरू किए थे। और 1927 में उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो एक टर्म कॉइन के थे, टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, और उसका कैंपेनिंग वो काफ़ी अच्छी तरह से किए थे, जिसको बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सपोर्ट किए थे। और उसके बाद 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं ये कहूँगा कि 1935 में जो पहली बार एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, और जिसमें कई सारे एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रॉमिस किए गए, और उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे उनमें दो नाम उभर के आता है, भगत सिंह, जिन्होंने ये कैंपेनिंग को अच्छी तरह से एक अच्छा शेप दिया था, और जिसको सुभाष चंद्र बोस ने सपोर्ट किया था। और काफ़ी एक आदमी शुरू करता है, अनदर पर्सन ब्रिंग्स टी टू टेबल, एंड उसको फिर धीरे धीरे लीगलाइज किया जाता है। तो इसमें 1935 का ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसमें मैं गांधी जी का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही मिनिमल मानूंगा, और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस उनका ही इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन होता है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 का एक मेजर हिस्सा था, जिसमें इंडियन पार्टीज़ रन बाय इंडियन पीपल वो इलेक्शन पे खड़े हो सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि 11 प्रोविंसेस, आप कह सकते हैं कि जैसे आज भारत के 30 राज्य हैं, 1935 के समय टोटल भारत में 11 प्रोविंसेस थे, और 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस 7 जीत गया था। तो ये एक इंडिकेशन था कि भारत के लोग ब्रिटिश को नहीं चाहते हैं, भारत के लोग भारत का अपने लोगों को चाहते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था। तो ये इम्पैक्ट का श्रेय भी भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है, क्योंकि 1937 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हुआ करते थे, और उनका देश भर में काफ़ी अच्छा नाम था, काफ़ी अच्छा ग्रिफ था, उनके बात को लोग बहुत ही पॉजिटिवली लेते थे, उनका काफ़ी स्ट्रांग इन्फ्लुएंस था। और उस टाइम जिस टाइम गांधी जी को उम्र हो रहा था और उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता जा रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और यंग लीडरशिप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। तो ये श्रेय भी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को जाता है। फिर मैं आता हूँ 1939 पे। 1939 पे एक दुखद इवेंट होता है, लेकिन हर बैड इवेंट का कुछ इम्प्लिकेशन अच्छे भी होते हैं और देश के फेवर में भी जाते हैं। क्या हुआ था, 1938-39 पे नेताजी 2 बार कांग्रेस के लीडर रहे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, 38 में बने, और 39 पे दोबारा जब चुनाव हुआ, उस टाइम गांधी जी नेताजी को कांग्रेस में नहीं देखना चाहते थे, और उन्होंने नेताजी के अगेंस्ट पे नेहरू को खड़े होने के लिए बोले थे, नेहरू मना किए थे, फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनको बोले थे तो उन्होंने भी मना किए थे। और उसके बाद आंध्र प्रदेश का एक लीडर पट्टा भी सीतारामैया उनको खड़ा किए थे, और वो नेताजी से हार गए थे। तो ये इंसिडेंट को गांधी जी ऐसा कहते हैं कि पट्टाभी का हार मेरा हार है, सुभाष की जीत से मैं खुश हूँ, लेकिन पट्टाभी को मैंने ही बोला था सुभाष के सामने खड़े होने के लिए, जब पट्टाभी हार गया तो वो मेरा भी हार है। तो ये पर्सनल कमेंट आप अगर देखेंगे, प्री इंडिपेंडेंट इतना पर्सनल कमेंट कोई नहीं किया था, और ये डायरेक्ट अटैक था नेताजी के ऊपर, उनके पॉपुलैरिटी के ऊपर, और देश की जो जनता जिसको चुने थे उनके खिलाफ भी ये उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट था, दैट आई डू नॉट सपोर्ट दिस मैन एनी मोर। क्योंकि गांधी जी जब नॉन वायलेंस को प्रीफर कर रहे थे, नेताजी वायलेंस वायलेंट मूवमेंट को प्रीफर कर रहे थे, नेताजी इस बात से खपा थे कि जलियांवाला बाग जैसा इंसिडेंट को अंजान ये लोगों ने दिए हैं, और इन लोगों के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इंडिया को इंडियन सोल्जर्स सपोर्ट किए थे, उसके बदले में जलियांवाला बाग मिला, और उसके बाद से जितने बार भी प्रोमिजेस किए गए, हर प्रोमिजेस में कभी भी इंडिया के फेवर में कुछ नहीं हुआ। तो
तो नेताजी कभी भी ब्रिटिश को फेवर नहीं करते थे, थोड़ा सा ही फेवर नहीं करते थे, और गांधी जी सॉफ्टली बात करते थे, और इस बात को लेकर आज भी उनको काफ़ी ये किया जाता है कि शायद गांधी जी को लीडरशिप में कुछ फ्लॉ था, शायद वो अगर और किसी को लीडरशिप करने का मौका देते, शायद अगर वो नेताजी को मौका देते आज देश का स्थिति काफ़ी बेहतर होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि नेताजी को रिजिग्नेशन देना पड़ता है, फिर उन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाते हैं, फिर उसके बाद नेताजी को ब्रिटिश लोग जेल पर डाल देते हैं, फिर जेल में उनको अनशन करना पड़ता है, अनशन करने के बाद फिर उनको घर में रखा जाता है बंदी करके जेल की तरह, फिर घर से वो निकल जाते हैं। जासूसी जिस टाइम बहुत स्ट्रांग था ब्रिटिश का और उनको नज़रबंदी किया गया था, उस टाइम वो निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम गांधी जी का उम्र हो गया था लगभग 74, और उस टाइम वो मूवमेंट पे नेताजी नहीं थे क्योंकि नेताजी चले गए थे जर्मनी, जर्मनी से चले गए थे जापान, तो उस टाइम वो इंडिया में नहीं थे। तो उसको कांग्रेस के उस टाइम के जो लीडर थे वो लोग उसको रेगुलेट कर रहे थे, और वो उस टाइम इतना इफेक्टिव नहीं था। उसका पहला कारण था कि कोई गांधी जी के लीडरशिप और उस टाइम के जो लीडरशिप थे उनके ऊपर खुश नहीं थे, और नेताजी के बाहर जाने से लोगों को काफ़ी आस्था था कि उनका मिलिट्री ऑपरेशन से शायद बात बन जाए। तो उस टाइम जो फंडिंग था वो बाइपोलर हो रहा था, एक फंडिंग कांग्रेस मांग रहा था, दूसरा फंडिंग इंडियन नेशनल आर्मी मांग रहा था। बाहर के जो लोग बिजनेस कर रहे थे वो नेशनल आर्मी को जितना सपोर्ट किए थे, फिनेंशियल सपोर्ट दिए थे, वो सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट को नहीं मिला था, और वो शुरू होने के कुछ ही महीने के अंदर बंद करना पड़ा था, बंद हो गया था अपने आप कहा जाए तो, वो इतना देर चला नहीं। और हालांकि उसमें एमके गांधी डू और डाई का नारा दिए थे, इसमें नेताजी का भी इन्फ्लुएंस माना जाता है, क्योंकि एक इतना बड़ा लीडर जब सब कुछ तंग आके देश के बाहर जाता है देश के फ्रीडम के लिए, तो अंदर में जो लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था ब्रिटिश लोगों को भगाने का। तो गांधी जी डू और डाई नारा दिए थे, लेकिन वो कुछ रिजल्ट किया नहीं था। अगस्त में लंच हुआ था, कुछ ही महीनों में ही वो ख़त्म हो गया था। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी ब्रिटेन को अटैक करता है तो ब्रिटेन का हालत ख़राब हो जाता है, वार फ्रंट को चेस करने का, उसको फेस करके अपना जीत कायम रखने, अपना हैसियत कायम रखने के लिए ब्रिटेन का हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूरी चीज़ बोलना चाहूँगा कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम अहिंसा के पुजारी मानते हैं, और जो इंडिया में अहिंसक पद्धति से आज़ादी लाने की कोशिश किए थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इंडिया का सपोर्ट में जो इंडियन सोल्जर्स गए थे उनको बारे में उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं था, और उन्होंने उसको कहा जाए कि सपोर्ट भी किया था, ब्रिटिश को जो भी चीज़ ज़रूरत होता था गांधी जी दे देते थे। और सेम चीज़ होता है 45 के टाइम, 45 के टाइम इंडिया से जितने सारे सोल्जर्स गए थे दैट काउंट्स 25 लाख्स, 2.5 मिलियंस, और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉलंटियर फोर्स था। मतलब हम अपने लिए नहीं लड़ रहे थे लेकिन दूसरों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हमारे पास उतना बड़ा आर्मी था, उतने बड़े सोल्जर का हम कैपेबल थे। तो गांधी जी अगर उसका एक फ्रैक्शन भी अगर परमिट कर देते कि नहीं हम ब्रिटिश को वार्न कर सकते हैं तो भी शायद ब्रिटिश लोग छोड़ के चले जाते, तो गांधी जी उस केस में सॉफ्ट हार्टेड रहे और उन्होंने ब्रिटिश का वर्ल्ड वॉर 2 ऑपरेशन पे ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंडियन सोल्जर्स को दे दिए थे। तो यहाँ पर मैं उनका जो अहिंसा पद्धति है यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा कि ये जो इंसान अहिंसा के कैंपेनिंग करता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 25 लाख सोल्जर्स को ब्रिटिश के साथ लड़ने के लिए हाँ बोल देता है, तो ये कैसे लॉजिकल हुआ? और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस टाइप का वार टॉर्चर होते हैं और वो वार फ्रंट पे किस किस चीज़ तरह का चीज़ें होते हैं ये सबको पता है, किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, और वहाँ पर जो लड़ाई करने जाते हैं वो मरते हैं नहीं तो मारते हैं,
तो यहाँ पर उनका लीडरशिप पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वो क्या सच्ची में अहिंसा का पुजारी थे। तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब इंडिया से फरार होके मुसोलिनी हिटलर रशिया के उस टाइम के लीडर जो थे उनको उनसे सपोर्ट लेने की ट्राई करते हैं और उनको हिटलर से सपोर्ट मिलता है। फिलहाल उस टाइम जर्मनी का जो वार एग्जीक्यूशन प्लान था उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आता है। तो जर्मनी फ्रंट से लीड लेके इंडिया पे ब्रिटिश इंडिया को अटैक करने का जो उनका प्लान था उसमें चेंजेस आता है। फिर हिटलर उनको एडवाइस करते हैं कि आप को मैं सबमरीन दे देता हूँ, आप जापान चले जाइए, जापान में राजबिहारी बोस जी का जो आर्मी बना हुआ है आप वहाँ से लड़ कीजिए, जापान से आपको इंडिया ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। तो उसके बाद फिर नेताजी इंडिया चले जाते हैं और वहाँ पर आयरन ऑपरेशन शुरू करते हैं। ये फ़ोटो में मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए ये फ़ोटो में दोनों का अगर बॉडी लैंग्वेज देखेंगे कि क्लियरली दिखता है कि हिटलर नेताजी को काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे और दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी पॉजिटिव है और उसमें एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट क्लियरली दिखता है। तो इससे ये तो पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर जिसको पूरी दुनिया डर रहा था वो जिस आदमी को रेस्पेक्ट कर रहे थे उनका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इंडिया पर और उस टाइम के वर्ल्ड लीडर पर और उस टाइम के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पर। तो उसके बाद जब नेताजी जापान जाते हैं, जापान में जाने के बाद वो इंडिया में ब्रिटिश इंडिया में काफ़ी सारे अटैक करवाते हैं। उन्होंने मोयरंग में 1943 अप्रैल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ पर ट्राइकलर एक बार लहरा भी दिए थे, वहाँ से ब्रिटिश को भगा दिए ब्रिटिश कंट्रोल को। फिर वहाँ पर उन्होंने तिरंगा भी लहराए थे और उन्होंने पहला प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाए। प्रोविजनल गवर्नमेंट में उन्होंने 10-12 कंट्रीज़ के सिग्नेचर लेके अप्रूवल लिए और वहाँ पर उनको ब्रिटिश को घोषित कर दिया कि आप बलपूर्वक इंडिया पर दाखिल हुए हो और आप इलीगली इंडिया को कैप्चर किए हो। तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने ब्रिटिश को जिस तरह से नीचा दिखाया था वो एक फर्स्ट टाइम इवेंट था। और ग्रेजुअली जब लड़ाई बढ़ता जाता है और शुरू में कई सारे जीत मिला था हिंदुस्तान को, मतलब हिंदुस्तान मतलब मैं यहाँ कह रहा हूँ इंडियन नेशनल आर्मी को। तो जब जापान के ऊपर 1945 में न्यूक्लियर अटैक होता है उसके बाद जापान सरेंडर करता है और जापान की सपोर्ट से जब नेताजी इतना कुछ कर रहे थे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो INA को डिसबैंड करते हैं और फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो प्लेन क्रैश थ्योरी है वो उनका अंडरग्राउंड होने का एक चाल था और वो चाल अच्छी तरह से भी चला, लेकिन बाद में उसको मिसयूज किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा और इंडिया के उस टाइम के जो लीडर्स थे उनके द्वारा भी। ये जो अंडरग्राउंड वाला ये मेरा अपना प्रिजम्पशन है, मैं आपका विचार के ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसको सच माने या झूठ माने, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि 45 प्लेन क्रैश थ्योरी लॉजिकल नहीं बैठता है। प्लेन क्रैश हुआ नहीं था और नेताजी जिंदा थे और वो बाद में भी एक्टिव थे, वो दूसरा वार फ्रंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद भी ऐसे भी एविडेंसेस है कि नेताजी शायद उसके बाद भी इंडिया का फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए इंडिया का स्ट्रेंथ जो एक न्यू बॉर्न कंट्री का जो स्ट्रेंथ होता है उसको कैसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए भी नेताजी अंडरग्राउंड होके भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नाभल रिवॉल्यूशन, इसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं कि नाभल म्यूटनी, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। तो एक के स्टेटमेंट 1944 जिस टाइम न्यूक्लियर अटैक हुआ नहीं था, एक फ्यूचरिस्ट लीडर जिनको फ्यूचर दिखता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या बोले थे कि लेट देम वेट अंटिल फरवरी 1946 एंड देन स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग अस इफ आवर टाइम टेबल गोज रॉन्ग। तो उन्होंने एक तरह से समझ गए थे कि हम अगर यहाँ पर अटैक भी करते हैं, थोड़ा सा भी अटैक करते हैं, तो ब्रिटिश इतने आसानी से संभल नहीं पाएगा क्योंकि ऐसे ही उसका हालत ख़राब होके पड़ा हुआ है और
इतने सारे फ्रंट एक साथ वो लड़ नहीं पाएंगे, उनको आसानी से जीत मिलेगा नहीं। तो उनको दिख गया था कि फ्रीडम तो मिल ही जाएगा, आए ने जीते या हारे, फ्रीडम उनको फ्रीडम तो मिल ही जाएगा। और फॉर्चुनेटली जो नेताजी का नारा था कि चलो दिल्ली, तो INA के सोल्जर्स हार के भी दिल्ली पहुंच गए। उनका ट्रायल दिल्ली में किया गया था। जब 30,000 के आसपास का सोल्जर्स का ट्रायल होता है, तो फिर अपने ही देश में, तो फिर सिंपैथी मिलना तो जायज ही है। तो वो एक बहुत ही मतलब दैट वाज द मेन टर्निंग पॉइंट। और जो चीज़ आज हुआ उसका इफेक्ट आज होगा और कल होगा, ऐसा नहीं कि जो चीज़ 10 साल पहले हुआ था उसका इफेक्ट आज होगा, इतना आसान नहीं होता है। तो इस एंगल से 42 में जो ब्रिटिश क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था 45 को, 46 को। तो 46 को जो सबसे बड़ा इवेंट था वो था नाभल रिवॉल्यूशन। उसमें क्या हुआ था कि जब 42 में जब इंडियन आइलैंड्स को आजाद हिंद गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट मिल के कैप्चर कर लिए थे, और उसके बाद उनका कंट्रोल चला गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और वहाँ के जो नेवल फोर्सेस थे वो इस ब्रिटिश लॉयल्टी को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिए थे। वो ब्रिटिश को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, और ग्रेजुअली वो जब धीरे 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 बढ़ता गया और वो एक वायलेंट इवेंट पे बन गया। जब 45 में INA सोल्जर्स का ट्रायल किया जा रहा था, कई सारे सोल्जर्स का एग्जीक्यूट किया गया था, ऐसा भी कहा जाता है कि 30,000 सोल्जर्स को मार दिया गया था कोर्ट मार्शल के ग्राउंड पे। और उनको उनका ट्रायल के टाइम जब उनको पूछा गया था, फिर उन वो लोग भी बोले थे कि हम जो भी किए हैं वो लीगल है, हम प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए काम किए हैं, वो एक लीगल बॉडी है। और वो ट्रायल के टाइम जो सिंपैथी उनको मिला था कि अपने ही भाइयों को गोली मारा जा रहा था, उनके खिलाफ ट्रायल किया जा रहा था, उनको वार क्रिमिनल बनाया जा रहा था, तो उस टाइम देश में जो सनसनी पैदा हुआ और वो काफ़ी फैल गया। और ग्रेजुअली उस टाइम 78 शिप्स उनके पास, ब्रिटिश के पास 8-10 या के आसपास ही बचे हुए थे, उनका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शिप्स आ गए थे इंडियन जो उस टाइम के नेवल ऑफिसर्स थे उनके कंट्रोल पे। और ये मूवमेंट शुरू होते होते कराची, पाकिस्तान का कराची से इंडिया का कलकत्ता तक फैल गया, मतलब ऑल ओवर इंडिया फैल गया। मुंबई में काफ़ी सारे अपडेट्स आए, और उस टाइम के कई सारे कांग्रेस लीडर भी इस चीज़ को सपोर्ट किए थे, हालांकि गांधी जी इसको अपोज किए थे, और ये वायलेंस को गांधी जी अनएथिकल बोले थे। और यही मेन मुद्दा था जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर हिल गया, और उनको लगा कि हमें छोड़ना पड़ेगा, वी मस्ट क्विट इंडियल क्विकली, इफ़ वी डोंट वी शैल बी किक्ड आउट। अटले उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर उनका ऐसा सोच था। तो उसके बाद 1947 तक 15 अगस्त फ्रीडम मिल गया, पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान बन गए, लेकिन हमें फ्रीडम मिल गया। तो ये था मेरा एनालिटिक। इसमें मैं तीन जो इन्फ्लुएंसिंग पर्सन्स, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का इन्फ्लुएंस मैं कहूँगा कि 1930s 35 तक थोड़ा थोड़ा था, और बाद में उनका जो इन्फ्लुएंस रहा वो लगभग नेगेटिव ही रहा। 25 सोल्जर्स को इंडिया वॉलंटियर आर्मी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उसमें फाइट करना पड़ा, और कई सारे जाने गया, तो उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस इसमें गांधी जी का भी आप कह सकते हैं कि कुछ हद तो काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन था। और नेताजी को ज़बरदस्ती बाहर भिजवाने में, नेताजी को बाहर जाना पड़ा इंडिया छोड़ के, उसमें भी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में अगर वो रहते तो शायद वो चीज़ होता नहीं, लेकिन अगर नेताजी बाहर नहीं जाते तो आर्मी भी नहीं बनता, इंडिया पर अटैक भी नहीं होता ब्रिटिश इंडिया के ऊपर, तो शायद हमें फ्रीडम भी नहीं मिलता। तो ये था मेरा एनालिटिक। ये तीनों में से मैं तो मैन ऑफ द मैच में बोलूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही अनडाउटेबली, और कोई नहीं है। और
इसका एविडेंस में जो बोलूँगा ये मेरा अपना सोच नहीं, मैं इसमें कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस भी रखना चाहूँगा। क्लेमेंट अटली जो 1945 से 1951 तक ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर थे, यूके का प्राइम मिनिस्टर थे, उनका क्या थॉट था। द मैन एमंग देम बीइंग द इरोजन ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन एमंग द इंडियन आर्मी एंड नेवी पर्सनल एज ए रिजल्ट ऑफ द मिलिट्री एक्टिविटीज़ ऑफ नेताजी। अगर एक देश का प्राइम मिनिस्टर ये बात बोल रहा है कि इसलिए हमें छोड़ना पड़ा, तो इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए। उन्होंने खुद कहा था कि गांधी जी का इन्फ्लुएंस मिनिमल था, MINIML उन्होंने ऐसा बोला था। और मैं एडिशनल एविडेंस दे रहा हूँ, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, उन्होंने भी बोला था कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो लॉयल्टी चला गया था, कि आप किसी को बॉडीगार्ड बनाए हैं अपना प्रोटेक्शन के लिए, व्हाट इफ़ बॉडीगार्ड इंटेंड्स टू शूट यू। आप उसको बंदूक चलाना भी सिखा दिए, सब कुछ सिखा दिए, उसके पास बंदूक भी है और आप उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं ये मेरा रक्षा करेगा। लेकिन अगर वो लॉयल्टी फैक्टर नहीं रहेगा तो क्या होगा। और यहाँ पर मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 1857 पे जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उस टाइम क्या हुआ था कि इंडियन सोल्जर्स को बंदूक चलाना तो उनको सिखाया गया था, लेकिन वो गोली तो ये सब बना नहीं पा रहे थे। वो सब वो मैन्युफैक्चर करते थे और बना के देते थे, हम लोग बस ऑपरेट करते थे। लेकिन 45 को जब इतना मैसिव ऑपरेशन हुआ, तो फिर ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को जो ब्रिटिश इंडिया के लिए काम कर रहे थे, उनको सब कुछ सिखाना पड़ा था कि गन कैसे चलाते हैं, गोली कैसे बनता है, गोली तोप कैसे बनता है, उनको A to Z सब सिखाना पड़ा था। और बाद में वो जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज आ गया था, वो भी एक डर का कारण था कि इन लोगों को अभी इतना आसान नहीं होगा कि 5% ब्रिटिश पीपल और 95% इंडियन पीपल, उनसे ब्रिटिश को संभाल के रखना इतना आसान नहीं होगा, इम्पॉसिबल है लगभग। तो ये भी एक फैक्टर था। और एक्सटर्नल फैक्टर में मैं बताऊंगा कि एक्सटर्नल फैक्टर में जाएगा जो सर्कमस्टेंशियल फैक्टर है, वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो इंडिया को इतना आसानी से फ्रीडम नहीं मिलता। और हिटलर, अडोल्फ हिटलर अगर नेताजी को मदद नहीं करता और उस टाइम ब्रिटिश के खिलाफ वार ऑपरेशन नहीं करता, तो भी इंडिया को इतने आसानी से फ्रीडम नहीं मिलता। तो 3 मेजर रीजन्स, नंबर 1 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नंबर 2 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नंबर 3 अडोल्फ हिटलर, ये तीनों का जितना इन्फ्लुएंस है इसके आगे और किसी का भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। बाकी सबका कंट्रीब्यूशन मिनिमल ही था, मैं 0 नहीं बोलूँगा लेकिन मिनिमल था। और हो सकता है कि गांधी जी का उम्र ही निकल जाता, शायद इंडिया को फ्रीडम नहीं मिलता। तो ये मेरा सोच है इंडिया का फ्रीडम के बारे में, आपका राय भी जानना चाहूँगा। मैं 2 चीज़ कवर नहीं किया इसमें, 1943-44 उस टाइम एक भयानक फेमिन हुआ था इंडिया में, उड़ीसा और बंगाल में। बंगाल से बहुत ही ज़्यादा लोग मरे थे, कहा जाता है कि 3 मिलियन जो ऑफिशियल काउंट है, और अनऑफिशियली जो बोला जाता है कि दैट फिगर कुड बी एज बिग एज 1 करोर। और इसका मेन कल्प्रिट चर्चिल था। चर्चिल एक बार बोला था कि मैं मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, अगर इंडिया में भुखमरी है तो गांधी क्यों जिंदा है। तो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये खाना का स्टॉक पाइल ब्रिटिश भेजा जा रहा था और सारा ज़मीन इन लोगों से हड़प लिया गया था, तो काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए थे। इवन INS का हाई कमांडर उस टाइम नेताजी थे, उन्होंने चावल और खाना ये सब का जहाज़ भेजे थे जापान से, और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, रिसीव नहीं किया था, ऐसा भी बात है। ये चीज़ मैंने कवर नहीं किया। और एक चीज़ मैंने कवर नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज़ मैं अपनी अपर जनरेशन से सीखा हूँ, उन लोगों से सीखा हूँ जो लोग एक मूवी बनाया था जिसका नाम था गांधी, जिसमें बेन किंग्सले गांधी का रोल किया था। और वो मूवी में नेताजी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया। गांधी जिसको जिन्होंने डायरेक्टली बोला था कि सुभाष की जीत मेरी हार, 1939 पे 1947 में फ्रीडम मिलता है, उसे कुछ ही साल पहले ही बोला था,
उतना इन्फ्लुएंस शायद और कोई नहीं किया होगा जिन्होंने गांधी को सीधा चैलेंज किया था, उस आदमी को उस मूवी में दिखाया नहीं गया था। तो ये चीज़ मैं उन्हीं से ही सीखा हूँ, उन्हीं लोगों से। तो ये टोटल डिस्कशन में इस आदमी का नाम मैं रखा नहीं हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे कंप्लीट एनालिटिक पसंद आया होगा, और मैं भी आपका राय जानना चाहूँगा कि आपका क्या सोच है भारत की आज़ादी के बारे में, किसको ज़्यादा मतलब ये टोटल इवेंट का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, हु शुड हु हैज़ इसमें टोटल इंडिया का आज़ादी में सबसे बड़ा हाथ किसका है अगर मैं बोलूँगा तो। तो मेरा सोच तो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपका सोच भी जानना चाहूँगा। आप कृपया कमेंट करें और बताएं, अपना राय दें, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी आने वाले दिनों में और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगा। ये मेरा एक स्केच है, मैंने नेताजी के ऊपर बनाया था कुछ दिन पहले। तो आपको अगर मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आने वाले दिनों में मैं और भी कंटेंट्स लेके आऊँगा, और मेरे कुछ कलेक्शन से नेताजी के मिस्ट्री के ऊपर कि व्हाट रियली हैपन टू हिम, डिसअपीयरेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वाज ही रियली इन इंडिया। इसमें मेरा तो ये बिलीव है कि वो जिंदा थे, 1985 तक जिंदा थे। आप और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो फिर मैं इसके ऊपर भी कंटेंट आने वाले दिनों पे बनाऊंगा। आपका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, भारत माता की जय।